सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी आपसे रूबरू होंगी, इनके साथ ही हमारे शहरी अध्यक्ष अनिल सैन जी, युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे यदुपति ठाकुर जी, मंडी सदर के प्रभारी सैनी जी, हमारे यहाँ मीडिया स्टेट मीडिया पैनलिस्ट राजेंद्र मोहन जी, काउंसलर योगराज जी, मीडिया पैनलिस्ट केशव नायक जी, हमारे स्टेट के ही मीडिया पैनलिस्ट आकाश शर्मा जी और प्रदीप शर्मा जी उपस्थित हैं। अब मेरा रिक्वेस्ट रहेगी मैडम अलका लांबा जी से कि वो प्रेस से रूबरू हों। आप सभी को, पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मैं मंडी कांग्रेस के परिवार के सभी अपने सदस्यों का, यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मंडी लोकसभा के हर एक मतदाता का जिसने पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भरोसा दिखाया। मंडी लोकसभा उपचुनाव के साथ हिमाचल की 3 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए। भाजपा की डबल इंजन की सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर औंधे मुंह आकर गिरी। हिमाचल की जनता ने साफ, खासतौर से मंडी लोकसभा का होगी, साफ संदेश दिया कि आपका विकास का नारा खोखले है। अभी मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को सुन रही थी, मंडी में है, मंडी वालों की तरफ से सवाल पूछेंगे, जवाब आपको देना होगा, कहकर गए हैं कि कांग्रेस का तंबू नहीं लग पाएगा। कांग्रेस का तंबू लग पाएगा या नहीं जयराम ठाकुर जी, लेकिन मंडी के साथ साथ हिमाचल की जनता ने भाजपा के तंबू को उखाड़ फेंकने की ठान ली है। कारण फिर बता रही हूं, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी। देखिएगा, सिंड्रेला ईरानी, बुरा लगा जयराम ठाकुर जी को, मैंने सिंड्रेला क्यों कहा। महंगाई एक समय पर भाजपा के लिए डायन थी, अब डार्लिंग हो गई है। क्या कहती है स्मृति ईरानी जी, महिला बाल विकास मंत्री है, महिलाओं की चिंता के बारे में, हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना से 1,36,000, क्या इनका दावा है, 1,36,000 बहने को उज्ज्वला योजना में गैस मिल रही है। अब इन्हीं का जूम कर लीजिएगा, मैं माफी चाहूंगी, बिल्कुल इन्हीं का संसद में सवाल जब पूछा गया पेट्रोलियम मंत्री से, तारीख है 25 जुलाई 2022, हमने पूछा कि 2018-19 में इन 1,35,000 उज्ज्वला योजना की बहनों में से कितनों ने सिलेंडर भरवाए, जवाब मिलता है 2018-19 में, जब क्या था, लोकसभा का चुनाव था, वोट चाहिए था, कनेक्शन तो दिया 1,35,000 को, भरवाया कितनों ने, 83,177 ने। अब आ जाइए आप 2021-22 में, बीते साल में 1,35,000 में से कितनी बहनों ने अपने उज्ज्वला के सिलेंडर भरवाए, जवाब लिखित में है 9,000, मात्र 9,415 ने। पूछना चाहेंगे बाकी उज्ज्वला के सिलेंडरों का क्या हुआ, बंद पड़े हैं, कारण बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी। सिलेंडर का दाम 1100 पार, सब्सिडी खातों में पूरी तरह से बंद। सब्सिडी की हकीकत फिर पार्लियामेंट में पूछा कि सब्सिडी जो है वो आपको 2018-19 में कितनी सब्सिडी दी थी खातों में, जवाब मिलता है 37,209 करोड़ रुपया, 37,209 करोड़ रुपया सब्सिडी खातों में गई। जब हम पूछते हैं 2021 और 22 में कितनी सब्सिडी गई, 242 करोड़,
37,000 करोड़ से सब्सिडी आकर गिरती है मात्र 242 करोड़। बाकियों का क्या है, ना सिलेंडर के दाम कम हुए, ना सब्सिडी मिली और चूल्हे आज बंद पड़े हुए इस महंगाई में। इसका जवाब स्मृति ईरानी जी आई, खोखला भाषण दिया, नाम था महिला सम्मान दिवस। तस्वीरें आप ही ने शेयर की हैं, मंच पर गिनने से 3 महिलाएं नहीं दिखी, पूरा पूरी तरह से महिला नेता भी नदारद थी और उनका सम्मान का तो आप बात छोड़ दीजिए। हम लोग अब आते हैं अगले, अमृत महोत्सव। मंडी में जैसे ही आई, यहां पर सुबह आदत है 5 बजे उठकर घूमने गई, पूरा यहां का इलाका घूमा मैंने, और वहां पर पता लगता है पूरे भाजपा के एक रंग के झंडों से मंडी पटा पड़ा है। महोत्सव का नाम क्या है, आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव, तिरंगा नदारत है। वरना उम्मीद की जा रही थी जब सरकारी खजाने की लूट हो रही है अमृत महोत्सव के नाम पर, अगर ये असली में अमृत महोत्सव है, 75 साल आजादी के हैं, तो आजादी के शहीदों के, स्वतंत्रता सेनानियों की, शहीदों की तस्वीरों से ये पटा होना चाहिए था मंडी, तिरंगों से पटा होना चाहिए था मंडी, लेकिन नाम तो है आजादी के 75 साल में अमृत महोत्सव, सरकार खजाने की लूट और भाजपा के एक रंग के झंडे से मंडी पटा पड़ा है। अब मैं आपको बताती हूं, अभी मैंने सुबह पढ़ा कोटली विधानसभा मंडी, सदर विधानसभा में गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री कॉलेज वीरभद्र सिंह जी ने 22 जून 2016 को सदर असेंबली के आने वाले इस डिग्री कॉलेज की नींव रखी, फंड दिया। 6 साल हो गए हैं, 6 साल बाद भी इमारत अधूरी पड़ी हुई है। 6 साल में यहां के स्थानीय विधायक भाजपा के हैं, उनका बयान पढ़ा, कारण क्या है, जयराम ठाकुर जी जवाब दीजिएगा कि 6 साल में आपका वो डिग्री कॉलेज बनकर तैयार क्यों नहीं हुआ जिसकी नींव आदरणीय स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने रखी थी। तो जवाब देते हैं विधायक, फंड नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा चाहिए कॉलेज के लिए 15 करोड़, 6 साल में मिला है मात्र 5 करोड़, इसलिए कॉलेज अधूरा है। लेकिन वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री रोजाना करोड़ों की परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, कभी 55 करोड़ के विकास कार्य और कभी नए कॉलेज और कभी 90 करोड़ दे रहे हैं। तो ये खोखले जुमलेबाजियों से विकास नहीं होने वाला है। मंडी ने आपको अधिकतर विधायक जिता कर दिए, जिसकी वजह से आपकी सरकार भी बनी। मंडी ने तो आपको दे दिए लोगों ने विधायक जिताकर, लेकिन आपने मंडी को क्या दिया, धोखा। जयराम ठाकुर जी, आपने मंडी को धोखा दिया है। जनता बदला लेने के लिए तैयार है, कांग्रेस ने गोवा के मुख्यमंत्री को हराया पिछली बार, कांग्रेस ने उत्तराखंड के चुनावों में भाजपा के सिटिंग मुख्यमंत्री को हराया है, हिमाचल में 2017 के चुनाव में धूमल जी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री होते हुए, विकास के दावों की बात कर रहे थे, हराया है उन्हें। और अब बारी जयराम ठाकुर जी आपकी है, क्योंकि आप चेहरा हैं, लेकिन हिमाचल की जनता, खासतौर से मंडी की जनता ये देख रही है कि आप केंद्र के हाथों में मात्र एक कठपुतली हैं। यहां क्या फैसले होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, फैसले आपके हाथ में नहीं है, आप केंद्र की वहां पर बैठे नेताओं के हाथों की कठपुतली है। ये हिमाचल की जनता को पूरा विश्वास हो चुका है, इसलिए अब हिमाचल की जनता कहती है हमने तो आपको जिताकर मंडी दिया था, आपने मंडी को बदले में हिमाचल में धोखा दिया है। आपके खुद के प्रशासनिक अधिकारियों पर आपका अब जोर नहीं रहा, वरना एक मुख्यमंत्री को नहीं कहना पड़ता अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कि आप लक्ष्मण रेखा में रहें, आप लक्ष्मण रेखा पार ना करें। तो जिस सरकार के प्रशासन में पकड़ नहीं जयराम जी, वो जनता के क्या काम कर रहा होगा। अभी आप ही की एक आईएएस अधिकारी निशा सिंह आरोप लगाया आप पर कि सुनवाई नहीं है, तो जब एक अधिकारी कह रही है सुनवाई नहीं है, अन्याय है, भेदभाव है,
तो आप महिला सशक्तिकरण के नाम पर इनके छोटे खोखले नारों को आप देख सकते हैं। मुद्दा मैं आप ला रही हूं, यहां पर हमने अभी देखा, कल मैं जब आ रही थी यहां से शिमला से, तो देखा बस स्टैंड पर लोग भारी संख्या में इंतजार कर रहे हैं। पूछा मैंने, आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, ये कौन लोग हैं जो सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं बसों का? पता लगता है कि हिमाचल प्रदेश में रविवार कल जो बीता, उसमें कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से लिपिक परीक्षा थी, परीक्षार्थियों को जाना था परीक्षा भवन तक। सरकारी बसों का इंतजार करते करते घंटों बीत गए, कुछ ने पैदल चलना शुरू किया, कुछ ने लिफ्ट मांगनी शुरू की, कुछ ने ऑटो किया, किसी तरह भी समय पर परीक्षा स्थल पहुंचने में हुआ। लेकिन जब कारण पता किया कि क्यों यहां के परीक्षार्थियों को इतना पहुंचने तक परीक्षा स्थल तक संघर्ष करना पड़ा, तो जवाब मिलता है कि सारी सरकारी बसें सरका घाट करसोग के लिए मुख्यमंत्री जी की रैलियों के लिए वहां के कार्यकर्ताओं के भाजपा को भरने के लिए चली गई हैं। और आपके लिए क्या छूटा? आपके लिए वो निजी बसें छूटी हैं जो अभी भी खबर आई है कि यहां पर जो आपका सुंदरनगर मंडी रूट पर निजी बसें नियम कानूनों को तोड़कर, लाइसेंस है या नहीं मालूम नहीं है, मोटा भ्रष्टाचार उगाई है। और एक बच्चे की जो, एक छात्र की जो है, वो भी हॉस्पिटल में है, उसकी जो है जिंदगी और मौत के बीच में है, क्योंकि निजी बसों का जाल, जी जंजाल बना हुआ है और सरकारी बसें राजनीतिक इस्तेमाल के लिए भाजपा पार्टी के लिए इस तरह से जो है उसका इस्तेमाल कर रही है। अभी किसी ने बताया सरका घाट में भी मुख्यमंत्री जी जल्दबाजी में, कभी भी आचार संहिता हो जाएगी, काम घोषणाएं करोड़ों रुपए की जो कर रहे नहीं हो पाएगी, अधूरे अधूरी चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं जो पूरी ही नहीं हुई। लेकिन जब यहां पर देखेंगे आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बढ़ता भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार है, पुलिस भर्ती परीक्षा होती है, परीक्षा का पर्चा बेचा जाता है, बेचा जाता है, बेचने वाले का कुछ पता नहीं जिसने पैसा लिया है, लेकिन जिसने सोचा कि नौकरी बिना पैसे दिए, बिना नेता की अप्रोच के नहीं मिलेगी, किसी तरह बच्चे को नौकरी मिल जाए, जमीन बेची, गाड़ी बेचा, कर्ज बेचा और भ्रष्टाचार के नाम पर इनकी जेब में पैसा डाला कि बच्चा पास हो जाए, वो 200 लोग जेल में चले गए। लेकिन जिसको पैसा दिया उसको सरकार क्यों बचा रही है, पूछना चाहते हैं। ये अंजाम तक पहुंचेगा मामला क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि इसके तार सीधा ऊपर तक जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अग्निपथ भर्ती योजना का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से पुरजोर विरोध करती है। 2024 में सरकार आते ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अग्निपथ जैसी ठेके की भर्ती योजना, जो धोखा है इस देश की सेना के साथ, जो सरहदों को कमजोर करने का एक प्रयास है, उस योजना को रद्दी की टोकरी में फेंकेगी 2024 में सप्ताह में आते ही। यहां पर भी हम इस योजना का इसलिए विरोध कर रहे हैं, मैंने देखा 30 सितंबर को पूरे हिमाचल के खासों से मंडी जिला, आपका कुल्लू, मनाली, लाहौल स्मिति, पूरा युवाओं को दौड़ने के लिए बुला लिया गया है। आइए 30 सितंबर को दौड़िए अग्निपथ भर्ती योजना के लिए। युवाओं को कहूंगी गुमराह मत होइए, नौकरियां कितनी निकली तीनों सेनाओं में, अग्निपथ भर्ती योजना में कितनी नौकरियां निकली, पत्रकार साथी बता पाएंगे? कुल मिलाकर भी 40 से 45 हजार, पूरे देश में कितनी निकली तीनों सेनाओं में, 40 से 45 हजार। एप्लीकेशन कितनों की आई देश भर में, 7 लाख। ये बेरोजगारी दिखाता है कि नौकरी निकलती है 45 हजार, अप्लाई करते हैं 7 लाख, लेकिन उसके बावजूद भी भर्ती रुकती नहीं है। भर्ती के नाम पर देश के युवाओं को बुला बुला कर दौड़ाया जा रहा है और फिर उन्हें निराश किया जाता है कि आप दौड़ने लायक ही नहीं है, आप फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए। वो युवा बेरोजगारी का शिकार, हताश, निराश, एक उम्मीद लेकर आया और आपने उसको कह दिया फिजिकल टेस्ट में फेल दौड़ने के बाद, और वो घर जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि आपने भर्तियां निकाली है 45 हजार, एप्लीकेशन आई है 7 लाख, लेकिन चुनावी राज्य है, रोजगार के नाम पर ठगी चल रही है।
साढ़े सत्रह साल का युवा जो शायद दसवीं और ग्यारहवीं भी पास नहीं कर पाया, आप कहते हैं 17.5 साल का युवा भर्ती करेंगे, रिटायर कितने में हो जाएगा? माँ बाप चिंतित है, 21.5 साल में, 4 साल में रिटायर हो गया हमारा बच्चा, 21 साल में पिता कमा रहा है, बच्चा रिटायर होकर आ गया, पेंशन है कुछ? कोई पेंशन नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं लाभ है उसको या उसके आश्रित माँ बाप को कल को? नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे? 17.5 साल का युवा जो दसवीं और ग्यारहवीं के भी परीक्षा भी नहीं किया, आप उसको भर्ती कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं आप उसके साथ? आप उसको आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उन्हें हथियारों के लाइसेंस दे रहे हैं, आप उन्हें सरहद पर भेजकर सरहद की खुफिया जानकारियां दे रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं आप उन्हें? आप उन्हें रिटायर कर रहे हैं, कोई भविष्य नहीं। मध्य प्रदेश से भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि जो 4 साल के बाद 21-21.5 साल का युवा रिटायर होगा, उसको हम भाजपा के नोटबंदी के बाद देश भर में जो काला धन था वो सफेद तो हुआ नहीं लेकिन जमीनों पे लग गया, 500 मुख्यालय भाजपा ने पूरे देश में खोल दिए, उसके बाहर अग्निवीरों को चौकीदार की नौकरी मिलेगी, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। ये वो धरती है हिमाचल की, वीरों की धरती, जहां पर दिल मांगे मोर कहने वाले अभी शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी को एक आदर्श मानते हैं। मां और पिता कहता है कि हिमाचल का मेरा बेटा सरहद पे जाएगा, मां भारती की सेवा करेगा, सरहद पे खड़ा होगा, भाजपा के कराली की चौकीदारी नहीं करेगा, शहीद होगा, तिरंगे में लिपट कर आएगा, लेकिन यहां क्या होगा? यहां तिरंगा नसीब नहीं होगा। इस युवा के बारे में आप सोच रहे हैं जिसके आधुनिक हथियारों की जानकारी है, लाइसेंस है, सरहद की जानकारी है, बेरोजगार होगा, भटकेगा, नहीं मंजूर उसको कि मैं भाजपा के कार्यालय के बाद चौकीदारी की नौकरी करूं या इनके पूंजीपति मित्रों के बड़े बड़े उद्योगों को बचाने के लिए नौकरी चौकीदारी की नौकरी करूं, यह हताश होगा, यह निराश होगा। पंजाब से लगा हुआ राज्य है, नशा, सारा नशा कहीं और से नहीं। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं 24 तारीख को, सवाल करिएगा कि यह सच है या नहीं कि यह सारा नशा जिसने पूरे हिमाचल के, पंजाब के, हिमाचल हरियाणा के युवाओं को जाल में लिया, वो सारा कहां से आ रहा है? गुजरात के भुज के मुद्रा पोर्ट से, जिसका मालिक अडानी है, उसके पोर्ट से करोड़ों करोड़ों रुपए का नशा पकड़ा जा रहा है। अब वो नशे के जाल में, शिकंजे में हिमाचल उसके युवा भी आ रहे हैं। ये भटका हुआ युवा पंजाब में क्या है? गैंगस्टर। किसी गैंगस्टर को ज्वाइन करेगा, ये हमारी चिंता है, मां बाप की चिंता है, आधुनिक हथियार की ट्रेनिंग है, लाइसेंस है, जानकारियां है, फ्रस्ट्रेशन है, बेरोजगार है, वो क्या होगा? वो इस्तेमाल हो सकता है नशे का, वो इस्तेमाल हो सकता है गैंगस्टर का, नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सब लोग इन हमारे बच्चों का दुरुपयोग कर सकते हैं अगर आपने किया। हमारा मांग क्या है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पुरानी सेना भर्ती योजना को हम लागू करेंगे। वो सेना योजना क्या है? पक्की भर्ती, 2.5 लाख पद सेना में पक्की भर्ती के खाली थे, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया, बोला पुरानी योजना खत्म है, अब जो भी है बस यही ठेके की 4 साल की नौकरी है बस, जिसकी कोई भविष्य नहीं है। हम पुराने 2.5 लाख खाली पद सेना में भरेंगे, हम सेना के अंदर और भर्तियां करेंगे अपनी सेनाओं को और ताकत और मजबूती देने के लिए, हम यहां पक्की भर्तियां करेंगे, हम सेना में जो आयु तय है, 4 साल नहीं, जो तय आयु है तब तक वो सेना की सेवा करेगा और उसे सेना से रिटायर होने का विरोध करिए। और यहां पर बहुत से मुद्दे हैं, जितना कहूं कम है, लेकिन मैं फिर कहूंगी, मुझे कहा गया जो हमारे सेब के बागवानी कर रहे हैं, मुझे मालूम है हम दो, हमारे दो की सरकार ने इस देश में पूरी लूट पूंजीपति मित्रों के साथ मनाई हुई है। पूरा सेब का व्यापारी सड़कों पर आंदोलित है, 60 रुपए किलो सेब हिमाचल से खरीदा जाने वाला, राजधानी दिल्ली से आई हूं, 500-600 रुपए किलो बिकता है, यहां वाले को क्या मिल रहा है? 60 रुपए किलो, बाजार को बर्बाद कर दिया, यहां 60 रुपए वाला दिल्ली और दूसरे शहरों में
500-600 किलो तक जा रहा है, मोहर लगी हुई है पूंजीपति मित्र अडानी की। तो हमारी 10 गारंटियां हैं, इन 10 गारंटियों को लेकर हम पूरे हिमाचल में जा रहे हैं। यहां पर भी एक एक गारंटी पर विस्तार में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पत्रकार साथियों के माध्यम से हर सवाल का आप लोगों को हम लोग जवाब देंगे। और मैं आपसे, ये देखिए प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था, पूरे देश के युवाओं में सोशल मीडिया पे ट्रेंड था राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, 8 चीता आए लेकिन 8 साल में 16 करोड़ नौकरियों का वायदा था वो नहीं आए हैं। गुड़िया हेल्पलाइन भी महिलाओं की सहायता करने में हेल्पलेस हो रही है, ये महिला सुरक्षा के महिलाओं इसलिए मुद्दा उठाऊंगी। 8,409 शिकायतें हमारी बेटियों ने, परिवारों ने, 8,000 परिवार, 8,000 बेटियां हैं शिकायत की है, सुनवाई यहां पर नहीं है। घर घर में नल तो आया, जयराम ठाकुर जी कह रहे मैंने नल देने की बात की थी, पानी की बात नहीं की थी। तो इसलिए घर घर नल तो आया पर जल नहीं आया, अब जल चाहिए तो दोबारा वोट दीजिए इन्हें, ये इस तरह से ठगी चल रही है। मैं इस समय बैठी हुई हूँ आपकी मंडी विधानसभा में, ये मैं मंडी का दिखा रही हूँ। इसी तरह हमने हर विधानसभा में इतनी बढ़ती महंगाई में बेरोजगारी के चलते 1100 रुपया सिलेंडर सब्सिडी बंद, कांग्रेस ने तय किया घर घर लक्ष्मी गारंटी, सरकार बनते ही पहले महीने की पहली तारीख को हर 18 साल से ऊपर की माँ बहन बेटियां जो हमारी हैं 1500 रुपया उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण के तहत दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल वो गृहिणी, वो बहन, वो बेटी कहां करेगी, किस तरह से करेगी, ये उसका अधिकार है। हम 1500 रुपया, और यह हर विधानसभा का एक अलग से हमने फार्म जारी किया है, महिला स्कैन करेगी, गारंटी कार्ड उसके पास रहेगा, उसकी गारंटी का दूसरा कार्ड हमारे पास आएगा। सरकार बनते ही यह गारंटी है, और मैं आपसे भी कहूंगी सरकार बनते ही पहली तारीख को अगर ये पैसा ना आए उनकी खाते में तो अलका लांबा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो गारंटी देने आई है दोबारा आऊंगी, आती रहूंगी, क्योंकि सरकार बनने जा रही है 5 साल के लिए, मजबूत और स्थिर सरकार बनने जा रही है, क्योंकि यहां के लोगों ने तय कर दिया कि उन्हें बदलाव चाहिए। मैं सुबह जब बताया कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई तो वहां पर फिर मैंने देखा ओल्ड पेंशन को लेकर, यही सीढ़ियों से आप नीचे उतरेंगे, पुरानी पेंशन लागू की जाए को लेकर पूरे हिमाचल में आंदोलन हो रहा है, लेकिन ये सरकार तस से मस नहीं हो रही। पूंजीपति मित्रों की जेब भरी रहे, हमारे खजाने भरे रहे ताकि चुनावी प्रचार प्रसार में उस खजाने का हम लोग इस तरह से लूट मचाते रहे, लेकिन पुरानी पेंशन पे हमने अपनी गारंटी में इस बात को साफ कर दिया है, पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल, सिर्फ 10 दिन में होगा ये कमाल। कैसे होगा 10 दिन में कमाल, करके दिखा दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, दोनों मुख्यमंत्री, खासतौर से हमारे भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इस गारंटी के लिए हमने चुना क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में जो गारंटी दी उसे लागू कर दिया गया है, वहां दोनों राज्यों में ओल्ड पेंशन जो है पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। यहां पर भी हमारा कहना है कि सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट में जो नोट आएगा जो पास होगा वो हमारे जो पूरे, क्योंकि अभी मैं पढ़ रही थी उन्होंने कहा कि जो सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी उसे वोट देंगे, लेकिन ये सरकार की 5 साल में आपने नियत देख ली है, अब सिर्फ चुनावी लाभ के लिए फायदे के लिए खोखली घोषणाएं और जुमलेबाजियां हो रही हैं। 24 तारीख को भी दिल्ली से यहां आकर कोई जुमलेबाजी करके चला जाएगा, लेकिन 17 में क्या कहा था वो कितना यहां पर आप करने में कामयाब हुए आज उसका जवाब देने का आपका समय है। मुझे लगता है बहुत सी बात है, लेकिन आप पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ, आपके सवालों का स्वागत करती हूँ, जो भी आपके सवाल हो, क्योंकि मंडी के लोगों के सवाल मुझे मालूम है आपके माध्यम से आए होंगे, हम लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने पर उनके जवाबों पर विश्वास रखते हैं, ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 8 साल में एक बार भी प्रेस वार्ता करने की हिम्मत नहीं दिखाई कि जनता और देश के सवाल है, ज्वलंत सवाल है, मीडिया पूछना चाहता है, जवाब दीजिए, 8 साल में नहीं। स्मृति ईरानी जी आई, लगा चलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगी, बड़ी नेता है, आई है, उज्ज्वला के सिलेंडर ठंडे हैं, सब्सिडी बंद है, दाम कम होंगे, लेकिन उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिम्मत नहीं दिखाई। सीधा हमला कांग्रेस, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा,
परिवारवाद की जब बात करते हैं तो मुझे अनुराग ठाकुर जी की चिंता होती है। पिताजी टिकट मांग रहे हैं, दोबारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर जी की चिंता है कि परिवारवाद है तो अपने गिरेबान में सबसे पहले वो झाके। और मंडी में अगर मैं बात करूंगी, मंडी के लोगों को जितना मैं समझ पा रही हूँ, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी यहाँ जो विकास किया वो उनके समय पर, उसके बाद उनके पुत्र आज विधायक है, उनकी धर्मपत्नी को यहाँ पर आप लोगों ने स्वीकारा, वोट दिया और भाजपा की डबल इंजन की सरकार होते हुए उनका एक सांसद आपने हरा दिया और उन्हें दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखती है जनता कि जब आप सत्ता में है कितनी सेवा किया आपने, और जब आप विपक्ष में थे आपने कितना संघर्ष किया है। इसलिए वो परिवारों का हिमाचल हमेशा सम्मान करता है जो परिवार जब सत्ता में होते हैं तो सेवा करते हैं, विपक्ष में होते हैं तो संघर्ष करते हैं। और यहाँ मंडी ने हमेशा, इससे पहले हमारे पंडित सुखराम शर्मा जी के परिवार को स्वीकारा है मंडी ने, वीरभद्र सिंह जी के परिवार को स्वीकारा है मंडी ने। अगर आपको परिवार से दिक्कत है तो मुझे लगता है या तो अनुराग ठाकुर जी को कहिए कि आप बैठ जाइए, अपने पिताजी को बिठा दीजिए, क्योंकि यहाँ मुद्दा परिवारवाद नहीं है, यहाँ मुद्दा बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी है और आपके सरकारी खजाने की लूट और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का दिल्ली के हाथों कठपुतली बनकर खेलना है। जनता तैयार बैठी है, बदलाव को होने से कोई हिमाचल में नहीं रोक सकता और देश का बदलाव, सत्ता की लड़ाई, देश की बदलाव की लड़ाई हिमाचल से हमेशा शुरू होती हुई आई है। इस बार भी देश की सत्ता का जो बदलाव का आगाज है वो भी कहीं और से नहीं, 2022 से हिमाचल से होने जा रहा है। धन्यवाद। मैडम, जिस तरह कल मुख्यमंत्री ने वीरभद्र मॉडल को कहा है कि 70 लाख करोड़ कर्जा भी उनकी वजह से 10 लाख बेरोजगार उन्होंने दिए हैं, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दिस? बहुत अच्छा कहा, मैंने उनका ये बयान सुना। पहले तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि हिमाचल में बेरोजगारी मुद्दा है, उनके हिसाब से कोई बेरोजगारी नहीं क्योंकि सारे विधायक सांसद भाजपा के नेता और उनके बच्चों के पास फुल रोजगार है, रोजगार ना हो तो भी उनके खजाने भरे पड़े हैं। एक मंत्री की वाइफ के कुछ टाइम पहले पता लगा था मंत्रालय में पर्स से कुछ लाख कैश हो। सो अब मैं आ पा रही हूँ मुद्दे पर, 10 लाख बेरोजगार हमने छोड़े वीरभद्र जी ने, ये उनका आरोप है, ये बात आपने 17 में कही जयराम ठाकुर जी या मोदी जी? नहीं कही। और उसके बाद क्या कहा? 2 करोड़ नौकरियां हर साल होंगी और उन 2 करोड़ नौकरियों में से हिमाचल का हिस्सा होगा। अब आपका जवाब देने का समय है, अब आप 17 वाले सवालों को दोहरा नहीं सकते क्योंकि 17 से 22 आ गया और डबल इंजन की सरकार में आपने उस 10 लाख बेरोजगारों में कितनों को रोजगार दे दिया है वो हिमाचल आपसे पूछ रहा है। अब जवाब देने की आपकी बारी है, सवाल करने का अब हमारा समय है। लेकिन आप 17 में, 17 से पहले स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने क्या किया या क्या नहीं किया ये जनता पर छोड़ दीजिएगा, लेकिन जवाब अब आपको देना है। अलका जी, आप सपने देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले कि हमने सत्ता में वापसी करनी है, जितने आपके सीनियर लीडर हैं, कौशिक ठाकुर है, रामलाल ठाकुर है, फिर आपके आशा कुमारी जी है, जय शांडिल जी है, सबको दरकिनार करके रखे आज की डेट में आपकी पार्टी ने। वो तो शुक्ला जी अपनी कार्यकारिणी की बैठक चंडीगढ़ में बैठ के करते हैं, फिर आप सत्ता वापसी के सपने देखते हैं, इतने बड़े सीनियर लीडर्स को आपने आज बिल्कुल एक टीम बन चुकी है वीरभद्र एंड टीम, ठीक है, जो जिसमें प्रतिभा सिंह है, वीरभद्र सिंह है, सॉरी विक्रमादित्य है और कुछ चंद लोग और हैं जो वीरभद्र के आजू बाजू में रहते थे, आज उनकी एक टीम बन गई है, ये इनको आपने दरकिनार कर दिया है। आप कहते हैं हमने सत्ता में वापसी कर दी, पहले आपसे अपना घर तो संभल ही रहा, परसों वो रो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। एक सेकंड, माफी चाहूंगी, धन्यवाद। ये सारी चीज जो आपने बोली है ना, कट कॉपी पेस्ट, मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और स्मृति ईरानी और मोदी जी के भाषण में सुनने वाली हूँ, कट कॉपी पेस्ट। हमारा सर जवाब मैं मालूम है, आपने वहाँ सुना और उस सवाल को आप मुझसे पूछ रहे हैं। हमने भी सुना मैम, ये सब कुछ आ रहा है खबरों में सामने आपके। सर मैं जवाब सर मैं जवाब दे दूं आपको, हाथ जोड़ के बिना निवेदन की हम किसी का कट कॉपी कर रहे हैं। वी हैव टू आंसर, वी हैव टू क्वेश्चन। एक सेकंड सर, हो गया सवाल, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, जवाब देने का अधिकार है। आप सिर्फ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मैं प्रेस वार्ता ही कर रही हूँ और विनम्रता से कर रही हूँ, धन्यवाद। विनम्र है अभी, एक सेकंड देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि मैं हिमाचल में हूँ, भाषणों में ये बातें भाजपा कह रही है नहीं कह रही, तभी तो आपके अखबार भी छाप रही है या आप अपने आप से छाप रहे हैं, नहीं ना? क्यों? क्योंकि भाजपा के नेता ये सवाल कर रहे हैं और आप भाजपा के नेता के नाम से करेंगे। आज मैंने जो कहा आप अपनी तरफ से नहीं छापेंगे, अलका लांबा ने ये कहा, अलका लांबा ने पूछा, ये करेंगे, तो मैं वही तो कह रही हूँ, ये हम भाजपा के नेताओं के भाषणों में सुन रहे हैं। सर मेरी जवाब पूरा नहीं हुआ, मैं आपको सर मैं फिर कहूंगी, माफी चाहूंगी, मेरा परिवार है,
कांग्रेस का परिवार है, परिवार में लोकतंत्र है, ठंडे बस्ते में मार्गदर्शन मंडल में अडानी अडवानी की तरह नहीं डाल दिया जाता है। माफी चाहूंगी, मुद्दे से मैं नहीं भटकने दूंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जवाब दे रही हूँ, नहीं बहस नहीं होगी, आप पत्रकार हैं, आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगी, धन्यवाद। लेकिन मैं भाजपा को, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसके एजेंडे को, महंगाई को हाई जैक नहीं होने, परिवार है, हमारा परिवार है, लोकतंत्र है, आप राष्ट्रीय मंचों से बोल रही हैं, आप बहस कर रहे हैं, आदित्य मुरली प्रसाद जोशी को आपने राष्ट्रीय मंच से कहा कि वो आंसू बहा रहे हैं, सवाल एक लाइन का होता है, सवाल हम इम्तिहान में भी बैठते हैं, एक लाइन का सवाल होता है, 500 में जवाब दीजिए, 500 शब्दों या 500 शब्दों के सवाल और एक लाइन में जवाब नहीं सुनना चाहिए। हिमाचल सरकार के आपने सारे इशू गिनाए, जो भ्रष्टाचार पूरे चार साल साढ़े चार साल में हुआ है जल शक्ति मिशन में, उसके ऊपर आपने कोई आंकड़ा नहीं पेश किया ना, आपने कोई इसका कोई क्वेश्चन पेश किया? धन्यवाद। जल शक्ति मिशन की आप जो बात कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं 2 घंटे भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को करूँ तो जयराम ठाकुर सरकार के भ्रष्टाचार, उनके एक एक चीज पर जवाब जो उनको देना चाहिए वो नहीं हिम्मत दिखा रहे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी आप देखिए खोखले झूठे वायदे हैं और कांग्रेस पर हमला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल करेंगे, हमारे देखिए मैं यहाँ पर एक बड़ी वार्ता जो हमारे 10 गारंटी और जो पूरे 5 साल का जवाब है वो लेने आई हूँ, लेकिन हमारे ये जो प्रवक्ता है ये यही है, यही रहेंगे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हर रोज आपके सवाल लिए जाएंगे, हर रोज जवाब दिए जाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं यही चीज आप भाजपा से भी करवाएंगे। विधानसभा निकलना है, वहां पर उनके शिक्षा मंत्री को घेरना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो पार्टी बनाई थी आज उसको वो बीजेपी में विलय कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया? मैम आप सदर हल्के की बात की, सदर हल्के आपके पार्टी के नेता तो भाजपा की गोदी में बैठे हुए हैं। 3 दिन पहले आपने शिमला में बोल दिया था, पूछिए। हाँ जी, सिलेंडर सिंड्रेला करके आपने स्मृति ईरानी को कोट किया था, परसों जो अध्यक्ष है यहाँ पे भाजपा के अध्यक्ष मैडम सुरेश कश्यप ने कहा कि 20 महिला आपको इस तरीके का बयान ऐसे मिलेगी यार, आपके जवाबों से मिलेगी। विरोध का प्रतीक है प्रधानमंत्री जी, किस पद पे बैठे हैं? 21वीं सदी के कहते जादू टोना ब्लैक मैजिक मुद्दे से भटकाना है, मुद्दा सिलेंडर है, सिंड्रेला नहीं है, और सिंड्रेला गाली नहीं है, सिंड्रेला किसका नाम था पूछ लीजिएगा। हम तो आपसे सवाल पे जवाब दिया नहीं, आगे किस पे सिंड्रेला पे, आगे किस पे काले वस्त्र पे, आगे ब्लैक मैजिक पे, आगे तारीख सही नहीं थी, मुद्दे से भटकाने नहीं देंगे। उज्ज्वला के सिलेंडर ठंडे हैं, सब्सिडी बंद है, महिलाएं त्रस्त हैं, जवाब लेकर सर आपने आधा घंटा पूरा दिया, आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आधा